विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। ये पर्वत रूपी अस्त्र तुम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा। प्रभु अपने इस दास को इसका उपाय करने दीजिए। श्री राम। तुम्हारा ये पर्वतास्त्र तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। पुष्पक आगे बढ़ो। रावण भी विफल हो रहा है इनके सामने और पितृ पर्वत भी नष्ट हो गया। इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं पाताल की अगल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो। विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री कहीं ये तो नहीं युद्ध में मेरी पराजय की कारण। यदि भंडासुर ये सोच रहा है कि उसकी पराजय रश्मि प्रभा के कारण हो रही है तो अब रश्मि प्रभा वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब तक मैं आपको यहाँ पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। ऐसी संतान का क्या लाभ है जिससे मुझे हानि हो? पिताश्री मुझसे क्या भूल हुई है? आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे? खेल के आरंभ में तीव्र दौड़ने वाला अश्व खेल के अंत तक थक कर हार ही जाता है। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। सावधान, अब सामना करो मेरे विशेष अस्त्र का। ये तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। दानव अस्त्र। समाप्त हुआ है और ना ही मेरी पराजय हुई है।
क्योंकि अनेक भयंकर अस्त्रों के धनी दशानन रावण जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव के समान है। नहीं, अभी ये दुष्ट पुनः निश्चिंत हुआ है, इसलिए अभी तो ये रश्मि प्रभा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बल युद्ध करो मुझसे। तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है। एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा। और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा। अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है। कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था। रावण अस्त्र, रावण अस्त्र। इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं? और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है? माता, तप की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं। रावण का ये अस्त्र उसके 10,000 वर्षों के तप का फल है, इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं घोर विनाशकारी भी है। इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शक्ति का पान हो जाएगा। तुम कितने भी प्रहार कर लो किंतु इस राम भक्त हनुमान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस असुर के हाथों में तो मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। देखा, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। तुम्हारा वार व्यर्थ हो गया ना। परिस्थितियां रावण की दास है, रावण परिस्थितियों का नहीं। उन्हें तोड़ना मरोड़ना रावण भली भांति जानता है। दशानन रावण, मैंने तुम्हारा स्मरण पहले क्यों नहीं किया? मेरी विजय बहुत पहले हो जाती।
भैया की ओर बढ़ते हुए ये रावण रूपी अस्त्र बाण अभी तक नष्ट नहीं हुए। रावण ने तो सभी ओर संकट उत्पन्न कर दिया है, इसका शीघ्र उपाय करना होगा मुझे। माता, रावण ने जो पाप और अधर्म अपने जीवन में किए हैं, वो तो निसंदेह ही बुरे हैं, किंतु उनसे भी बुरा है उसके तप का अहंकार, जो उसे और उसके अस्त्र को शक्तिशाली नहीं दुर्बल बनाएंगे। तब तो माता मैं समझ गया इस रावण अस्त्र को कैसे मिटाना है। शीघ्र जाओ पुत्र और जाकर प्रभु श्री राम को सूचित कर दो। विघ्नहर्ता गणेश जी कहीं श्री राम के निकट उनका विघ्न हरने तो नहीं आए हैं? प्रभु, रावण अस्त्र में भले ही उसके तप की शक्ति समाहित है, जिसे रोकना सरल नहीं, किंतु अधर्म, पाप और अहंकार को धर्म की शक्ति सरलता से मिटा सकती है। अब कोई संकट नहीं है मेरे लिए। गणेश जी ने जो भी युक्ति सुझाई होगी वो मेरे रावण अस्त्र के समक्ष निष्फल हो जाएगी। ये 10 बाण और सबका अंत। प्रणव शब्द ओम कुंदारम अस्तुंदारम अस्तुंदारम। प्रभु श्री राम ने धर्म, वेद और प्रणव शब्द की शक्ति से एक नए अस्त्र को क्रियान्वित किया है, जो रावण के रावण अस्त्र की समस्त शक्ति को सोख लेगा और उसके दोष और पापों के साथ उस अस्त्र को भी नष्ट कर देगा। तुम्हारी सेना दोनों नष्ट होंगे। अब मिटा दूंगा, अंत कर दूंगा तुम्हारा। जो अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वो धर्म की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक सकता। जो संभव हो वो कर लो श्री राम। सब व्यर्थ है। तुम में से ऐसा कोई नहीं जो मेरे अस्त्रों का सामना कर सके, ना ही तुम्हारा भक्त हनुमान मेरे दानव अस्त्र से निकले दानव का सामना कर सकता है, ना ही तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरी सेना का, और ना ही तुम स्वयं प्रभु श्री राम। मेरे दिव्य अस्त्रों को कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इन लकड़ियों के बाण से। अधर्मी ये कभी नहीं समझ पाते रावण कि धर्म की साधारण सी लगने वाली शक्ति भी अधर्म की असाधारण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जिसका प्रमाण अब प्राप्त होगा तुम्हें।
सच है, राम का नाम अपार शक्ति का स्रोत है, जिसके आगे और कुछ नहीं टिकता। किसी माया का परिणाम है। जो शस्त्र अपार विनाश कर सकते हैं, जिन्हें पराजित करना असंभव है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं ये समझने में असमर्थ हूं मैं। समझने में असमर्थ बंडासुर, अथवा समझ कर भी ना समझ बन रहे हो। जो तुम्हारी पराजय का कारण है वो तुम्हारे सामने है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पिताजी को अचानक फिर से ये क्या हो गया है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे उन्हें मुझसे ही कोई बैर है। रश्मि प्रभा पुनः कहीं संकट में ना आ जाए। येन हेन प्रकारे इस बार इस युद्ध में विजय मेरी ही होगी। तुमने जो अपराध किया है अब उसका दंड दूंगा तुम्हें। रावण, तुम पुनः अपने अंत के निकट हो। असुरो, तुम्हारे प्रत्येक आक्रमण का उत्तर है हमारे पास। बस अब तुम्हारी ये क्रीड़ा रोकनी होगी मुझे। मेरा रथ नष्ट हो गया। दूर फेंक दूंगा यहां से। आओ तो प्रयास करो दुष्ट। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। रावण जो भी कर रहा है
उसका कोई लाभ नहीं हो रहा और उसका कारण है ये रश्मि। क्या हुआ पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? कितना मधुर स्वर है इसका, कितनी निर्दोष है ये। तुमने अपने विकारों से प्रेम भाव पर तो विजय पा ली, फिर अब क्यों रुके हो तुम, जब सब कुछ भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि तुम्हारे पराजय के मूल में यही है, इसका ही अस्तित्व है। पिताजी क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब नष्ट हो रहा है वहां, पढ़कर मैं पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। पूर्व में जो कार्य मुझसे अधूरा रह गया उसे अब मैं पूर्ण करके रहूंगा। महत्वाकांक्षा यदि सीमाओं का उल्लंघन करने लगे तो व्यक्ति अपने स्वजनों तक के हित अहित की अवहेलना करने लगता है। रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। ये बाण मेरी नाभि की ओर कैसे बढ़ने लगा? रावण का भी अंत हो गया और उसका कारण है ये रश्मि प्रभा।